नमस्कार जी, मैं आपका रहमान। और जो गाड़ियाँ थे, मैं अभी 25th है, आज संडे, तो सुबह सुबह 10:30 बज रहे हैं। तो ये गाड़ी थी, मैंने बोला था लास्ट टाइम महाराष्ट्र होके गुजरात निकलने वाली थी, निकल चुकी है। और दूसरी गाड़ी यानी कि ये महीने की जो तीसरी गाड़ी है, थर्ड वन, तो 28 या 29 के दिन गाड़ी यहाँ से निकलेगी। 28 29 से महाराष्ट्र होते हुए गुजरात जाएगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद है, आप सब लोगों को तहे दिल से मेरी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने यानी कि इस महीने के आखिरी में 30 तारीख को हमने हमारा जो SR नर्सरी का जो ऑफिस है, कॉल सेंटर है, हमने ओपनिंग रखा है। तो मैं उसका भी आपको वीडियो डालूँगा, अगर होता है तो लाइव में भी आपसे ज्वाइन होऊंगा मैं। और उसी दिन SR नर्सरी से एक अल्टीमेट पौधा यानी कि दूसरा किस्म का पौधा, एक नया हमारे हमारे से 6 महीने से मैंने उस पर जान लगा के मैंने उस पर रिसर्च किया है 6 महीने से। जो पौधा हमारे से महाराष्ट्र वाले और अपने भाई, अपने यूपी वाले जो भी है, एपी वाले जितने भी लोग हमारे से पौधा ले चुके हैं, वो लोग जितने सक्सेसफुल, वो खुद उनको बनाया और हमारे ज़रिए से हमने जितनी भी कोशिश की, तो इसी तरीके से उस पौधे को भी हम कोशिश करने के लिए 6 महीने से हमने ग्राउंड वर्क किया है। और इसका वर्क और बाकी है, लेकिन इस मौके पर यानी कि SR नर्सरी के जो ऑफिस का जो ओपनिंग है 30 तारीख को, उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा या मैं लाइव में आपको लाइव में आऊंगा। तो उस दिन मैं आपको रिवील करूंगा कि अपकमिंग जो पौधा है SR नर्सरी से जो जुड़ने जा रहा है, और जो मैं कस्टमर को मैं क्या है, मैं उनको दे सकता हूँ तो 100%, क्योंकि हर पौधा मैं लेता हूँ, बेचता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मेरा उसमें उतना ज्ञान नहीं है। हमारे दादाजी की नर्सरी है, तो वो नींबू बनाते थे, वो आम भी बनाते थे और गोवा भी बनाते थे। उस समय का उन लोगों का पेशेंस ही और उन लोगों का वर्क का तरीका अलग था। अभी हमारा वर्क का तरीका और हमारा जो इधर का लेबर का जो बहुत दिक्कत हो गया, तो ज़्यादातर बना नहीं सकते, यानी कि अभी लेबर बात सुनने से बहुत ये है, हर कोई इस तरीके से। तो इसके कारण अभी तक मैं गोवा में जितने हद तक कर सकता था, उतना हद तक मेरा मेरा द बेस्ट दिया मैंने। जितना भी मैं सोता हूँ तो चैन की नींद लेके सोता हूँ, क्योंकि कोई व्हाट्सएप में डाल देते हैं कि कल सुबह मेरे को व्हाट्सएप में आया कि 12 महीने का रहमान भाई, आपने पौधा दिया, 12 महीने हो गए, ये कल ही देखो। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसकी प्रूनिंग की, हर ब्रांच में छोटा नींबू जितना फल था, एकदम बढ़िया सा, बहुत सुकून की नींद लगती है। अगर मैं मेरा प्रोडक्शन नहीं है तो यानी कि उस पर मैं कुछ मेरे को आइडिया नहीं है, अवगाहन नहीं है, तो मैं दूसरे के पास से पौधा ले लूँगा कि भाई पौधा दे दूँगा। इस पर फार्मर भी उसमें उलझा रहेगा, मैं भी उलझा रहूँगा कि अरे फार्मर में तो मेरे को पैसा दे दिया, लेकिन उसको प्रोडक्शन आएगा कि नहीं आएगा। कि इस माध्यम से मैं एक पौधे पे, क्योंकि लोगों की मांग थी, इसके लिए मैंने 6 महीने से 2 पौधों पे मैंने अपनी जान लगा के मैंने रिसर्च की। तो इसके माध्यम मैंने ये पौधा मैंने यानी कि ओपनिंग 30 तारीख को, यानी कि ऑफिस का जो ओपनिंग है तो 30 तारीख को मैंने कर रखी है। कोरोना के कारण ये लेट हो गया है, वरना 1.5 साल पहले ही होने वाला था। तो उस समय कुछ सीजन था, तो भागम दौड़ी थी, तो उस समय ये हो गया और बीच में ये कोरोना आ गया, उसकी वजह से पूरा स्टॉप हो गया था। क्योंकि ऑफिस ओपन करने का यानी कि मकसद ये है, क्योंकि इतने यानी कि आप लोगों का बहुत बहुत मेरे ऊपर हम आपके आभारी हैं,
क्योंकि इतने लोग हमारे को फ़ोन करते हैं, आप लोग जो समस्याएं पूछते हैं, और कई लोग ऐसे हैं दूसरे नर्सरियों से भी पौधा उठाते हैं, वो लोग पौधा देने तक के हद तक ही वो लोग उनकी जिम्मेदारी बनती है तो दूसरों की, तो वो लोग भटक जाते हैं, उनको उनको प्लेटफॉर्म तक नहीं मिलता कि उसको क्या करे, किस तरीके से करे, और दूसरे लोग गुमराह कर रहे हैं। मेरे मेरे मैंने पिछली वीडियो में मैंने एनपीके ये सब डालने की जो मैंने बेस बनाई, यानी कि उसको क्या कुछ देना है, मेरे को गुजरात से और महाराष्ट्र से 4 फोन आ गए कि टेक्निकल ऑफिसर मेरे को समझाए थे कि रहमान भाई आपके हम कुछ ना कुछ महीने महीने में फीस दे देंगे, आप हमें गाइड करिए। तो इतने यानी कि वो लोगों को गुजरात में और महाराष्ट्र में उनके खुद के फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। देखिए भाई, मैं बोल रहा हूँ जितना भी मेरे से हो सका मैं कर रहा था, लेकिन मैं सबको मैं क्या बोलूँ, सबकी आवाज़ सुन नहीं सक रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये जो कॉल सेंटर है मैंने ओपन किया, इसमें टेक्निकल ऑफिसर रहेंगे पाशा जी बोल के, और आपको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए और आपका असिस्ट करने के लिए आपके आशा जी बोल के टेक्निकल मैडम भी रहेंगे, तो वो दो लोगों का नंबर भी मैंने दे रखा है वीडियोस में, तो आप उनसे भी आपका शेयर कर सकते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप शेयर करिए। आप हर किसी का जो भी प्रॉब्लम, आप पौधा किसी के पास भी लो, अब तक किसी के पास भी अगर फार्मर जो भी पुराने फार्मर्स हैं ले चुके हैं या हमारे से जुड़ के लेना चाहते हैं या हमारे से लेके हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, फार्मर की जात एक ही है हम सबकी जात, क्योंकि हम सब लोग धरती पे जीते हैं, तो इस तरीके से पैसा आ जाएगा कल जाएगा, पैसे का नहीं है कि रात में हम करें सो काम से हमको चैन की नींद आना चाहिए, सुकून की नींद मिलनी चाहिए, तो इस तरीके से हमारा काम है। हर कोई किसान भाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपकी कोई भी अगर डाउट है किसी तरीके का भिजक है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ मेरे को सब कुछ पता है, नहीं ऐसा नहीं, हर कोई जमीन पे हर कोई लर्नर रहे, सीखते ही रहना है हर किसी को, जितना मेरे पास ज्ञान है मैं बांटूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को जितना मेरे को मैं जहाँ से सीखा हूँ मैं जहाँ से ग्रहण किया हूँ मैं आपको मैं बांटूंगा, यानी कि मेरे को जितना पता है मैं वो आपको बांटूंगा, अगर आपको कुछ पता है तो मेरे को रिटर्न में दे दीजिए, मैं सीखूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको जितना पता होता है उनसे लीस्ट पता लीस्ट जानकारी वाले बहुत लोग हैं, उनको हम इंट्रीब्यूट करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जो करेक्ट गाइड करेंगे तो वो बहुत आसान रहेगा सब लोगों के लिए। तो मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, आप जो भी मेरे वीडियोस है यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जी आपको फीडबैक मिलता रहेगा, और इसमें गोवा में जो है और आगे के वीडियोस में हम नेमटोड्स के बारे में और फ्रूट फ्लाइट्स के बारे में और जो भी है फ्रूट ड्रॉपिंग, अभी आगे चल के आपको कली का ड्रॉपिंग हो जाता है तो उसके बारे में और उसके बेड बनाने के तरीके के बारे में और प्रूनिंग के तरीके सब कुछ आपको वीडियोस मिलेंगे, सब कुछ A to Z। ये हम देखिए पौधा बेचने के लिए नहीं, हम ये आगे चल के मेरे दादाजी की नर्सरी मैं संभाल, मेरे पिताजी संभाले थे मैं संभाल रहा हूँ, आगे चल के मेरा लड़का भी संभालेगा ये काम, हम जो भी मेरी पीढ़ी पीढ़ी चलते रहेगी, आपका इतना सहायता के लिए मैं तहे दिल से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आपकी सहायता मेरे ऊपर बनी रहनी चाहिए। और दूसरी बात है, और दो किस्म के पौधे मैंने जो कहे हैं आपसे वो पौधे मैं 30 तारीख को मैं लॉन्च करने वाला हूँ ये इस ऑफिस के ओपनिंग के तौर पे, और उसकी बुकिंग्स और उसके इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और नवंबर दिसंबर से मैं पौधा देना चालू करूंगा उस पौधे का, मैं आपको इसका वेट आपको 30 तारीख के बाद ही आपको दे पाऊंगा मैं, तो जितने भी लोग हैं उन सबको हैप्पी दशहरा, और मैं आपका रहमान एसआर नर्सरी से नमस्कार।